बहुत पानी के लिए सीवर के लिए बहुत परेशान हो रहे होते हैं। सीवर का गंदा पानी निकल निकल हमारे घर आ जाता है। कोई आ जाइयो जी, ना बढ़ दिया जी, हमारा काम नहीं बनेगा तो गली में बात घेर दे। देखो दीदी, वोट का टाइम आता है ना, जो भी वोट में उठता है उनकी लेडीज भी, उनके मर्द भी, उनके लड़के भी हमारे घर आके पैर छूते हैं, उनके सब भी हमारे पैर छूती है, हर जीत हमारे वोट लेके चले जाते हैं और बाद में हमारी गली की तरफ कोई नहीं लगाता। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता है। नमस्कार, भिवानी अंचल में आपका स्वागत है। शांति नगर कोर्ट रोड की 3 नंबर गली में मौजूद है, जहां पिछले 6 माह से पेयजल की भारी दिक्कत बनी हुई है। यहां के लोगों से भी जानने का हम प्रयास करेंगे। यहां 2 लाइनें हैं, यानी कि नई लाइन और पुरानी लाइन। नई लाइन का अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ है, यदि नई लाइन का कनेक्शन हो जाता है तो शायद इस समस्या से निजात मिल सकती है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम बताओ। कब से दिक्कत है ये? अप्रैल से। क्या क्या अभी नई लाइन पुरानी लाइन दोनों है? पुरानी लाइन में पानी आता था लेकिन पुरानी लाइन में भी नहीं आता 6 महीने से, और नई लाइन में आता है तो कभी 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 कभार एक बाल्टी आता है, वो भी इतना सड़ा है जिसको यूज नहीं किया जा सकता। तो काम कैसे चलाते हैं? काम टैंकर लेके आते हैं, टैंकरों से काम चलता है या अड़ोस पड़ोस से कोई हैंडपंप से गुजारा करते हैं। ये पूरे गली की समस्या है? गली की समस्या है, दो में भी ऐसा ही हाल है। ये लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम बताओ सर। विनोद कुमार नाम है जी। कब से दिक्कत है, कब से समस्या है? करीबन 5-6 महीने से हो गए जी पानी की समस्या के। ये जो नई लाइन है उसके कनेक्शन है? नई लाइन है जी, नई लाइन उन्होंने खोद के देखी थी, जो पब्लिक हेल्थ वाले आए थे इन्होंने खोदी थी जी, तो उस लाइन में जोड़ा, इस लाइन में पानी नहीं है मेन में, तो उन्होंने कहा था पहली लाइन में जोड़ेंगे भैया आपके कनेक्शन है, तो पाइप वगैरह तारे आ रखे हैं, वैसे कह रहे हैं जी आप तब तक कुछ कनेक्शन किया नहीं, अगर उसमें कनेक्शन कर देंगे तो पानी की सुविधा थोड़ी ठीक हो जाएगी। गली में काम कैसे चलता है, पानी जब आता ही? टैंकर मंगाते हैं जी, घर के लिए टैंकर मंगाते हैं, एक एक दो दो घरों में एक टैंकर आ जाते हैं। क्या ये जो आप टैंकर मंगाते हो कितने रुपए का आता है? 800 का भी आ गया, 1000 का भी आ गया, 700 का भी कोई दे दे। कितने दिन आधा, में आधा टैंकर हो जी? कितने दिन में मंगवाते हो? अब तम 2 दिन में, 3 दिन में, 5-5 बाल्टी, 10-10 बाल्टी ले लेते हैं। आता रहा। शिकायत आप लोगों ने करी कहीं? करी है जी। कहाँ पर करी? चंडीगढ़ दाई कर दी जी। आप बताओ कहाँ का शिकायत करी जी? मैसेज चंडीगढ़ करी थी, और जिसका मैसेज भी आ रहा है चंडीगढ़ वाला का भी आपके दर्ज कर ली शिकायत, और पत्थर की मैं बात तो कौन नहीं होनी, मैं काम तो कौन करते हैं, चलो तो को निकाल दे। तो यहाँ के आपके एमसी है या विधायक है, कभी शिकायत करी आप लोगों ने? हमारी गली में हमने कितनी बार फोन भी करा, किसी ने फोन भी नहीं उठाया हमारे, हम बहुत परेशान है जी, हमारी संविधान करवाओ जी, हम पानी से बहुत परेशान है। ये माता जी, ये कब से जो 5-6 महीने हो गए इसको शिकायत? हाँ जी, 5-6 महीने हो गए, बिल्कुल नई में आता है ना, पुराने में आता है तो गंदा पानी आता है, 2 बाल्टी 3 बाल्टी आगे बंद हो गए, नई लाइन का कनेक्शन हुआ नहीं है, आ नहीं रहा पानी, नहीं आ रहा कनेक्शन, पहले कनेक्शन हुआ ही नहीं पहले था, मतलब अब नहीं है, अब 6-7 महीने से पानी आ नहीं, नहीं ना तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, दो माह में नहीं पानी आता है, एक माह भी नहीं आता है। आप बताओ, फिक्स टाइम भी नहीं है कोई पानी का, यानी जो नई सप्लाई आती है उसका कोई समय नहीं है, पुरानी में नई में किसी में भी नहीं, तो बार बार मोटर चला के देखते हैं, कभी रात को आता है कभी दोपहर को, बार बार देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, मोटर भी खराब हो गई, मारो मोटर चला के ना, कितने कितना हो अर्जी सारे, हमारे सीवर खराब हो रहे, और ना हमारे नाली में गली बना देंगे, ना गली बना दे। और आप बताओ, ये जो समस्या है पानी की समस्या है,
दिनों से हो रही है जी, बहुत 6 महीने से काफी समस्या हो रही है जी। नहीं तो भी पानी आता है, मतलब बारिश आती है तो पूरी गली मतलब भर जाती है, ना इस सीवर की कोई सुलझेड़ा है ना जी सड़क जो रहे हैं सारे मकान में पानी मरा है। 6 महीने हो गए पानी के बिना, कोई टाइम नहीं। पहले पानी आता था जी, पूरा पानी आता था, लेकिन अब नहीं आता पानी। कितने दिन पहले, कितने महीने पहले आता था? 6 महीने पहले आता था, नहीं मेरी पुरानी मेरी, लेकिन अब नहीं आता जी बिल्कुल। 6 महीने से लगातार पानी के टैंक मंगवाए, 6 महीने से सर प्रॉपर टैंकर मंगवा के गुजारा किया जा रहा है। गली में ना तो पानी की निकासी की व्यवस्था, अब गली की हालत देख सकते हो, ना तो कोई एमसी ना कोई विधायक आके देखता है यहाँ पे, चेक करता है कि भाई यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही। कोई किसी इंसान से वोट जिस टाइम लेने उस टाइम आते हैं, विजिट करते हैं, उससे अलग तो कभी भी। अरे गली आप देख सकते हो खुद, यहाँ पे देखो काफी टाइम से खड्डा है। हमने इसकी एप्लीकेशन कम से कम 100 बार दे चुके, इसका अब तक कोई रिजल्ट नहीं निकाल के दिया उन्होंने। बस बोल देते कि आश्वासन दे देते कि भाई करेंगे, करते कोई नहीं है, ना कभी चेक करने आते ना कुछ। और पानी तो इतने दिन से परेशान है, जितनी मेरे माता बहने हैं ना, इतने दिन से परेशान है। कोई हेडपंप पे जाता है भरकेला, कितना पानी वो भरकेला सकते हैं? 2 बाल्टी 4 बाल्टी 10 बाल्टी ऊपर कैसे करेंगे फिर पानी? पानी के रिगार्डिंग हमने जो अफसर है उनके पास फोन किया, उन्होंने पहले यहाँ पे पुरानी वो नई लाइन निकाली के बोले कि हम यहाँ पे टी पॉइंट लगा देंगे। उन्होंने ना तो उसकी कुछ व्यवस्था करी, बोलते फोन करते बोलते बारिश आ रही है, 2-3 दिन बीच में बारिश नहीं आई, तो उन्होंने तब भी कोई रिजल्ट नहीं निकाल के दिया। हम इतना परेशान हो रहे हैं बहुत। ये शांति नगर कोट रोड की गली नंबर 3 का दृश्य है। यहाँ पर न सीवरेज की व्यवस्था है न पानी की व्यवस्था, लोगों का कहना है, लोगों की जुबानी है। और जैसा कि ये लोग मान भी रहे हैं, जैसे तैसे हेडपंप वगैरह से ये काम चला रहे हैं, या पानी के टैंक मंगवा रहे हैं 700 से 800 से, जैसा कुछ महिलाओं ने बताया भी, मैक्सिमम 1500। लेकिन इनका कहना है कोई भी सत्ताधारी या जनप्रतिनिधि यहाँ पर कोई याद करने नहीं आता, वोट के समय यहाँ पर जरूर आते हैं, और अब वोट का समय है, शायद दोबारा भी आएंगे। लेकिन सीवर से लेकर के पेयजल की व्यवस्था से लेकर के, और खासतौर पर यह सड़क की दुर्दशा भी आप देख सकते हैं, इनका कहना है शिकायत जरूर की जा चुकी है, लेकिन समाधान या शुद्ध अभी तक नहीं ली गई है। हम वोट नहीं देंगे जी, कोई आ जाइयो चाहिए ना बढ़ने जी, हमारा काम नहीं बनेगा तो गली में बात घेर दे। देखो जी वोट का टाइम आता है ना, जो भी वोट में उठता है उनकी लेडीज भी, उनके मर्द भी, उनके लड़के भी हमारे घर आके पैर छूते हैं, उनके सब भी हमारे पैर दबाती हैं, हर जिस हमारे वोट लेके चले जाते हैं, और बाद में हमारी गली की तरफ कोई नहीं लगाता। यही भी हमारी आगे की समस्या है, जो पहले वोटों से पहले हमारी गली में सीवर गिरवाएगा, हमारी पानी की लाइन ठीक करवाएगा, उसी को वोट देंगे। तो कोई भी पार्टी से हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमने वोट देने से मतलब हम उसी को वोट देंगे जो हमारी गली में सुविधा करेगा, ठीक है जी। हम किसी को नहीं देंगे, और जो जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा हमारी गली में, तो हम उनकी पिटाई कर सकते हैं। हम इतनी दुखी हो रही है, लेटरिन के लिए, बाथरूम के लिए पानी एक एक डब्बा हमने बाहर से लाना पड़ता है, कई बार टैंकर लेट हो जाते हैं, हमको भीड़ है, हमें नहीं अभी नहीं आ सकते, अभी नहीं आ सकते क्या? घर में लेटरिन के लिए पानी जाता, रसोई में पानी जाता, हम कहाँ से लाए? हम बहुत पानी के लिए, सीवर के लिए बहुत परेशान हो रहे होते हैं, सीवर का गंदा पानी निकल निकल हमारे घर आ जाता है, किस किस चीज से पीता हम? आप पानी सप्लाई का भी गंदा आता है, पीने का भी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक और नए विषय के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।